नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनरेगा कर्मचारियों की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि पंचायती राज विभाग या मनरेगा में ऐसे संविदा कर्मचारी जो 10 साल या उससे ज्यादा काम करते हुए हो गया, ऐसे ग्राम रोजगार सहायक को स्थायी करने, समान काम समान वेतन देने या इक्वल पे स्केल देने के आदेश दिए हैं। क्या पूरी अपडेट आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, जो रोजगार सहायक हैं उनको यहां पर समान काम के लिए समान वेतन देने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम रोजगार सहायक जिला डूंगरपुर में कार्यरत कार्मिकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो आदेश है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह के आदेश के अनुसार, नरेगा व पंचायती राज विभाग में 10 साल से ज्यादा संविदा पर काम कर रहे हैं और ग्राम रोजगार सहायक को भी समान काम समान वेतन दिया जाए या इक्वल पोस्ट पर रेगुलर पे स्केल दी जाए। काम की समान वेतन और काम समान वेतन काम के अनुसार समान वेतन दिया जाए। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बलवंत सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मैं याचिकाकर्ताओं के हित में आदेश दिया और 2 माह का समय दिया आदेश की पालना के लिए। मैं बता दूं, अधिवक्ता पवन सिंह ने यहां पर अपील भी की। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पर नरेगा कार्मिकों के लिए, यहां पर 2 महीने के भीतर उनको समान काम के लिए समान वेतन देने, साथ ही स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जगजीत सिंह का जो आदेश है वो इम्प्लीमेंट करने के यहाँ पर आदेश दिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच ने यह आदेश दिया है बलवंत सिंह बनाम अन्य जो याचिकाकर्ता है, यहाँ पर लगभग 5 पेटिशनर हैं। इसके अलावा पार्टी बनाए गए राजस्थान सरकार को, डिप्टी सेक्रेटरी को, इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद डूंगरपुर को, साथ ही डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति को, इसके अलावा वीडियो को भी यहां पर मैं बता दूं पार्टी बनाया गया है। साथ ही इनको, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पेटिशनर के तरफ से जो एडवोकेट थे वो पवन सिंह जी राठौड़ यहाँ पर इन्होंने पैरवी की। ऑनरेबल जस्टिस विनीत कुमार जी माथुर ने 29 जून यानी कि कल ये आदेश दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं की जो रिट याचिका है वो स्वीकार करते हुए अपेक्स कोर्ट का जो फैसला है, जो अपेक्स कोर्ट में बता दूं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जगजीत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स बनाम जगजीत सिंह, ये इसके मामले में को इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर ग्राम रोजगार सहायक जिनको 10 साल या उससे ज्यादा काम करते हुए हो गया, जो डेली वेजेज पे एडोक या संविदा पर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर समान काम के लिए समान वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आपके सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर निकल के आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यहाँ पर आदेश दे दिए हैं, साथ ही जो उपयुक्त आदेश है वो 60 दिन में इम्प्लीमेंट करने के भी आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि मनरेगा कर्मचारी या पंचायती राज के जो संविदा कर्मचारी हैं, रोजगार सहायक हैं, उनको जो 10 साल से ज्यादा संविदा पर काम करते हुए हो गया, उनको यहाँ पर समान काम के लिए समान वेतन देने के यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। साथ ही ये आदेश है 2 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करने का आदेश भी यहाँ पर सुनाया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।